हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे सिंक्रोस्कोप मेथड की। सिंक्रोस्कोप मेथड है वो हमारा जो अल्टरनेटर है उसको सिंक्रोनाइजेशन करना होता है बसबार के साथ, उसका लिए फेज डिस्प्लेसमेंट जानने के लिए यूज की जाती है। तो बेसिकली ये मेथड जो है वो ऑल डार्क लैंप मेथड और टू ब्राइट वन डार्क लैंप मेथड से एक्यूरेट मेथड है। वो दोनों मेथड में हमें डिफिकल्टीज आती है, दैट मीन्स कि प्रॉपर डार्क हुआ है या फिर फुल्ली ब्राइट हुआ है वो जज करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये मेथड बहुत इजी और एक्यूरेट मेथड है। तो ये मेथड में बेसिकली एक सिंक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है। ये वन टाइप का इक्विपमेंट है जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस मेजर करता है। तो बेसिकली सिंक्रोस्कोप इक्विपमेंट यूज़ करके इस मेथड को किया जाता है। तो सबसे पहले हम कनेक्शन संबंध की बात करते हैं। तो ये एक इनकमिंग मशीन है जिसे हमें बसबार के साथ कनेक्ट करना है। सो इसकी और इसका फेज डिस्प्लेसमेंट हमें जीरो करना है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम करनी है। नाउ सिंक्रोस्कोप है उसमें टोटल फोर टर्मिनल्स होते हैं। ये बी साइड के टर्मिनल है, ये एम साइड के टर्मिनल है। नाउ बी साइड के टर्मिनल हमें बस बार के साथ कनेक्ट करने हैं, दैट मीन्स ये बी नाम दिया है बस बार का, और ये मशीन, तो ये हमारा इनकमिंग मशीन है, वो टर्मिनल हमें यहाँ एम पे कनेक्ट करना है। कनेक्शन में सबसे पहला बात ये ध्यान रखनी है कि बी टर्मिनल पे जो हम यहाँ पे जो फेस कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने आर फेस को कनेक्ट किया है। तो ये जो आर फेस यहाँ पे बस बार का कनेक्ट हुआ है, तो एम टर्मिनल के पहले टर्मिनल पे भी हमारा अल्टरनेटर का आर फेस ही होना चाहिए। दैट मीन्स बी के फर्स्ट टर्मिनल पे जो हम फेस कनेक्ट करेंगे वही फेस हमें एम पे अल्टरनेटर का कनेक्ट करना है, सेम दूसरे टर्मिनल पे भी। तो दूसरे टर्मिनल में यहाँ एग्जाम्पल में हमने वाई फेस कनेक्ट किया है, सो एम के दूसरे टर्मिनल में भी वाई फेस ही कनेक्ट करेंगे ना। अभी बात करते हैं सिंक्रोस्कोप में एक छोटा सा पॉइंटर दिया रहता है, ये पॉइंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है ना। अभी ये जो रोटेशन की स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, तो हमारा बस बार की फ्रीक्वेंसी और इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी, ये दोनों का डिफरेंस कितना है उसके बेसिस पे इसकी स्पीड डिपेंड करती है। अगर ये पॉइंटर ज्यादा फास्ट रोटेट हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि ये दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस ज्यादा है, और ये पॉइंटर अगर स्लो रोटेट हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि बस बार की फ्रीक्वेंसी और अल्टरनेटर जो हमें कनेक्ट करना है उसकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कम है ना। रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है उसका मतलब ये है कि इनकमिंग मशीन, दैट मीन्स अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी बस बार से ज्यादा है, और अगर सिंक्रोस्कोप का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि बस बार की फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। नाउ जब भी सिंक्रोस्कोप 12 o'clock पोजिशन पे स्टेडी हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे, तो यहाँ पे जब भी स्टेडी हो जाता है उसका मतलब ये है कि बस बार की फ्रीक्वेंसी और इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है। तो जब भी यहाँ पे पॉइंटर स्टेडी हो जाएगा तो बस बार और अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएंगी, बट तभी भी एक छोटा सा वोल्टेज डिफरेंस दोनों के बीच में होता है और फेस डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब भी सिंक्रोनाइजेशन करना होता है तब हमें अल्टरनेटर की स्पीड को ऐसे एडजस्ट करना है कि हमारा जो पॉइंटर है वो क्लॉकवाइज डिरेक्शन में स्लोली स्लोली बढ़ता रहे आगे। तो जब भी पॉइंटर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेरी स्लो स्पीड से रोटेट होगा, ऐसे ही हमें अल्टरनेटर की स्पीड को एडजस्ट करना है। जैसे ये रोटेशन कंप्लीट करके 12 o'clock पोजीशन पे आता है वैसे तुरंत हमें ये सिंक्रोनाइजेशन स्विच ऑन कर देनी है। तो ऐसे हमें सिंक्रोनाइजेशन करना है। तो ये सिंपल है हमारा सिंक्रोस्कोप मेथड फॉर द फेज डिस्प्लेसमेंट चेक ऑफ द अल्टरनेटर।